हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश। तो पियाजो ऑटो रिक्शा, तो ये ऑटो रिक्शा में सेल्फ नहीं लग रहा है और ये भाई साहब है, इनका गाड़ी बंद पड़ गया है और ये स्टार्ट हो नहीं रहा है गाड़ी। तो मैं इनका हेल्प करना चाहता है। मैं तो बजाज का काम करता हूँ, बजाज का ऑटो रिक्शा रिपेयर करता हूँ, लेकिन अभी ये टाइम में मतलब गाड़ी ख़राब हो चुका है, तो उसको कुछ तो कुछ सोल्यूशन करना पड़ेगा, मतलब कुछ तो इसको करना पड़ेगा जिससे गाड़ी चालू हो जाए। तो अभी मुझे इतना ज़्यादा मालूम नहीं है इसके पियाजो के बारे में, लेकिन तो भी मैं इनका हेल्प करना चाहता हूँ अपने दिमाग से। तो अभी चलते हैं, इसको चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आप लोग को बता दो इसके अंदर क्या दिक्कत आ रहा है और क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो इसका सेल्फ नहीं लग रहा है, तो मैंने एक बार यहाँ पे डायरेक्ट किया। ये देखो, यहाँ पे रिले है, दिख रहा है स्टार्टर रिले है, तो मैंने इसको डायरेक्ट किया था लेकिन सेल्फ नहीं ले रहा है। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे डायरेक्ट करना है। देखे, डायरेक्ट कर रहा हूँ तो भी सेल्फ नहीं ले रहा है। अभी मैं हथौड़ी से मतलब यहाँ पे इसके सेल्फ मोटर पे थोड़ा हथौड़ी से फटका मारूंगा तो सेल्फ लगने लगेगा। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ, देखो ये ट्राई हो रहा है, सिर्फ चालू होगा क्या नहीं वो बाद में देखेंगे। जरा सेल्फ मारो, आगे की तरफ जाते हैं और सेल्फ मारते हैं। सेल्फ मारो, सेल्फ अभी भी नहीं लग रहा है। सेल्फ मार रहे हैं, यहाँ पे आओ, देखे सेल्फ नहीं लग रहा है, सिर्फ आवाज आ रहा है पीछे से रिले का। तो अभी हम लोग चलते हैं पीछे, हथौड़ी से जरा स्टार्टर मोटर पे थोड़ा सा फटका मारते और कुछ थोड़ा कार्बन लूज रहेगा तो मतलब वो पकड़ लेगा स्टार्टर को। सेल्फ मारो, देखो दोस्तों सेल्फ ले रहा है। हथौड़ी से फटका जब मारते हैं स्टार्टर मोटर को तो सेल्फ ले रहा है, लेकिन एक बार डायरेक्ट करके चेक करते हैं लग रहा है कि नहीं। सेल्फ नहीं लग रहा है, तो एक बार इसको फिर से फटका मार के फिर चेक करते हैं। रहने दो, सेल्फ मत मारो, मैं यहां से डायरेक्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों गाड़ी चालू हो चुका है, क्योंकि जो इसका स्टार्टर का जो मोटर है, मोटर के अंदर कार्बन रहता है और वो कार्बन ना उसके अंदर थोड़ा सा लूज है, मतलब कार्बन घस चुका है और उसके वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था और सेल्फ जरा भी नहीं ले रहा था। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा ठोके स्टार्टर मोटर को, फटका मारने से गाड़ी स्टार्ट हो गया है। और वो आपके सामने देखे कैसे किस तरह से हमने स्टार्ट किया इसको गाड़ी को। तो देखो गाड़ी चालू है। तो दोस्तों फटका मारने पे स्टार्टर मोटर काम करने लग गया और गाड़ी स्टार्ट हो गया। तो अभी इनका जो मैकेनिक है पियाजो का, वो वहाँ पे लेके जाएंगे अपने मैकेनिक के पास और इसको दिखाएंगे स्टार्टर मोटर क्या प्रॉब्लम है और मैकेनिक उसको प्रॉब्लम सॉल्व करेगा।
मैं चाहूँ तो इसको रिपेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं बजाज का काम करता हूँ तो दूसरे गाड़ी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उसको हाथ लगाना अच्छा नहीं है। तो बस इनका मेरे को हेल्प करने का था, और हेल्प करके मतलब चालू करना था गाड़ी, तो मैं अपने तरीके से गाड़ी को चालू कर दिया था। तो बस मेरे को इतना ही बताना था, कोई भी ऑटो रिक्शा वाला है, कोई भी गाड़ी वाला है, थोड़ा आपको हेल्प करना चाहिए। बहुत जगह पे मतलब गाड़ी बंद पड़ जाता है और कोई उनका हेल्प नहीं करते, और वो गाड़ी वाला रिक्शा वाला जो है बहुत परेशान रहते हैं। तो बस मैं यही चाहता हूँ, कहीं से भी कोई भी ऑटो रिक्शा वाला है, चाहे कोई भी कंपनी का ऑटो है, चाहे कोई भी गाड़ी है, तो उसको आपको हेल्प करना है और वो गाड़ी को चालू करने में मदद करना है। ये तो नहीं हुआ तो ट्यूशन मार के थोड़ा आगे तक पहुँचा सकते हो, क्योंकि मेरे ऐसे एक कस्टमर के साथ में हो गया था, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे बोलते हैं आप प्याजो ऑटो रिक्शा रिपेयर करो, उसका वीडियो बनाओ, तो मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ तो कैसे बनाऊँ, इसलिए मैं सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ आपका। आपके साथ में सेम ऐसा प्रॉब्लम होता रहेगा, सेल्फ नहीं लेता रहेगा, तो आप इस तरह से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे गाड़ी के बारे में पता नहीं है, लेकिन हर एक गाड़ी में मोटर लगा रहता है स्टार्टर मोटर, उसको कैसे रिपेयर करना है उसके बारे में पता है मुझे। तो मैं अपने तरीके से उसको चालू किया गाड़ी को। तो अभी भाई साहब से पूछते हैं उनको कैसा लगा गाड़ी चालू हो गया। दोस्तों इनका गाड़ी चालू हो चुका है, अभी देखो सर खुश है अभी, तो आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा हो गया, मैं तो बहुत परेशान हो गया था, लेकिन आपने अच्छा काम करके मेरे को गाड़ी चालू करके दिया, जाने के बाद आपको कंपनी में लेके जा सकूँ, तो मैं आपको भाई जान थैंक यू बोल सकता हूँ। तो मेरे सब्सक्राइबर को क्या बोलना चाहते हो? सब्सक्राइबर अभी तो इनके तरफ से लाइक है, और आप भी लाइक कर देना, ठीक है? तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो गुड बाय दोस्तों। ले लो आगे जाओ।